बैठ करके लियो ठीक है, चलो थोड़ा पीछे कर, थोड़ा सा पीछे कर, चलो सर। जैसे आपने वादे के अनुसार जैसे कहा जाता था कि अभय सिंह ने जो कह दिया वो करके दिखाता है, उसी को आपने पूरा किया इस्तीफा देकर आप किसान के बीच हैं, और जो विधायक जो किसान की बात करते हैं उनको क्या कहोगे आप? हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर 80% आबादी गांव में बसती है, और गांव में बसने वाला व्यक्ति जो है वो खेती पे ही निर्भर करता है। किसान है हमारे यहाँ, किसान जो है जाट को ज़्यादा कहा जाता है, कहीं पटेल को कहा जाता है, कहीं रेडी को कहा जाता है, कहीं मराठे को कहा जाता है, लेकिन है सारा का सारा किसान। आज इस संकट की घड़ी में जो गलत फैसले केंद्र की सरकार ने लिए, जो लोग इनके वोट से चुन करके लोकसभा विधानसभा गए, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेवारी में कोई कोताही करी तो आने वाले समय में लोग इनको बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। ये विधायक तो बनना तो बहुत दूर की बात है, ये गांव के पंच भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस किसान के वोट से ही उनको ताकत मिली है। मैंने बहुत सारे विधायकों के बयान देखे थे जो बारी बारी बयान देते थे कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन आज कहीं नज़र नहीं आ रहे। कितने दिन छुपेंगे, आखिर लोगों के बीच में आना पड़ेगा, और जिन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई वो गांव में एंट्री नहीं कर पाएंगे। जी चौधरी भूपेंद्र सिंह उत्ता कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव ले आके उन चेहरों को बेनकाब उतारेंगे, उन चेहरों का तो क्या कहोगे आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद बीजेपी का एजेंट है, मैं इस मंच पे ये बात नहीं कह सकता था क्योंकि यहाँ सब तरह के लोग हैं, लेकिन हुड्डा ने 3 दफा एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। पहली दफा तो जब सुभाष चंद्रा को एमपी बनाया गया, हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा था, अपने साथियों से पेन की स्याही बदला करके इसको सुभाष चंद्रा को एमपी बनाया, दोबारा अपने बेटे को एमपी बनाने के लिए भाजपा से साठ गांठ करी। अब विधानसभा में जब प्रस्ताव आया था केंद्र की सरकार, इसकी हरियाणा की सरकार की तरफ से, तो उस वक्त उसका सामना करने की बजाय विधानसभा से वॉकआउट करके चला गया। शैलजा ने खुद पार्टी की मीटिंग में यह बात कही थी कि हुड्डा आज बीजेपी के एजेंट के रूप में हरियाणा में काम कर रहा है। सर जैसे 70 से अधिक दिन हो गए, 160 से अधिक का वहाँ देहांत हुआ किसानों का, तो कितनी 200 का आंकड़ा पहुँच चुका है, आपकी जानकारी गलत है। 200 से ज़्यादा किसान अब तक इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, और आज 73वां दिन है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को जल्दी समझ आएगी। सर किसानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए, ट्रैक्टर लेकर जाते थे सर, किसानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, किसानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं सर, और किसान लगातार साथ दे रहे हैं। कितनी भी प्रयास कर ले किसान आंदोलन नहीं टूट सकता, खत्म नहीं हो सकता। जो 6 तारीख का जो आह्वान है एक तरह से किस तरह का होने वाला है, जैसे मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक किसान के साथ खड़ा होगा, और किसान के इस बंद के आह्वान पे उसके साथ उसकी ताकत बनेगा। डिप्टी सीएम भी ट्रैक्टर लेकर जाते थे किसानों की आवाज उठाते थे, उसके पास चला जाता।